प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको, मैं श्रृंखला कानपुर से फिर से परमेश्वर के मधुर और सामर्थ्य वचन को आपके साथ बांटने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी अपनी आत्मिक उन्नति के लिए निरंतर क्या कर रहे होंगे, परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे और अपने आप को तैयार कर रहे होंगे उस सिंहासन के लिए जिस पर परमेश्वर जब विराजमान होंगे और हमारा और आपका न्याय करेंगे और हमें वो घर मिलेगा जिसका प्रॉमिस यीशु मसीह ने हमसे किया था। तो आइए हम सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आज का सुंदर दिन दिखाया और हमें पूरे दिन संभाल के रखा। और मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शिवनम आंटी का कि उन्होंने मुझे फिर से एक बार मौका दिया अपने स्पेज आगरा मसीह मंडली पर लाइव आकर परमेश्वर के जलाली और समर्थी वचन का प्रचार करने के लिए। तो आइए हम सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे प्रार्थना के माध्यम से और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आज का जो आत्मिक मन्ना है उसे हम क्या करेंगे, मिल बांट करके अपनी आत्मिक उन्नति के लिए क्या करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना के माध्यम से परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने इतना सुंदर दिन दिखाया और पूरे दिन संभाल के रखा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ आज के समय के लिए परमेश्वर, और इस समय भी आप हमें संभाल के रखते हैं परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। एक एक क्षण के लिए धन्यवाद, एक एक ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद जो आप हमारी जिंदगी में निरंतर दिन प्रतिदिन करते रहते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो इस टाइम परमेश्वर तरह तरह की बीमारियां चल रही हैं और लोग उनसे परेशान हैं, प्रॉब्लम्स में हैं परमेश्वर, बीमार हैं परमेश्वर, उन सबको परमेश्वर आप चंगाई दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बच्चे परमेश्वर इस टाइम तरह तरह की जॉब के लिए तैयारियां कर रहे हैं परमेश्वर, उन सभी बच्चों को परमेश्वर आप एक बेस्ट जॉब परमेश्वर मुहैया कराइए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति की जितने भी बंधनों में वो बंधा हुआ है, उन सब बंधनों को मैं आपके नाम से तोड़ती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि इस टाइम परमेश्वर जो लोग इस वचन को सुनते हैं, आपके वचन पर चलते हैं परमेश्वर, उन सभी को आप परमेश्वर ब्लेसिंग से भर दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ अनुपम अंकल और शिवनम आंटी के लिए कि उन्होंने इस पेज को क्रिएट किया, इस पेज से जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर, आप उनके घर को भी परमेश्वर आशीषों से भर दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस वचन को लाइव सुनते हैं और जो रिकॉर्डेड सेशन भी देखते हैं, आप उन सब की प्रार्थनाओं का हाँ और आमीन में आंसर दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर मानते हैं कि जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं तो आप हमारी प्रार्थना को निरंतर सुनते हैं, हाँ और आमीन में आंसर देते हैं परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर जो किसी न किसी प्रॉब्लम में है, जो किसी न किसी बीमारी में है, जो किसी न किसी परेशानी में है परमेश्वर, उन सब की सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी, सारी बीमारियों को आपके नाम से मैं दूर करती हूँ परमेश्वर। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में निरंतर पूरी होती रहे। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम एक गीत के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसके बाद जो आज का आत्मिक मन्ना है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम मिल बांट करके खाएंगे। तो आइए, ये गीत है धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, क्योंकि उसके उपकार इतने हैं कि हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स हैं जो हमारे लाइफ में परमेश्वर हमें देता है। तो आइए हम इस गीत के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसके बाद फिर आज का आत्मिक मन्ना हम देखेंगे कि परमेश्वर ने आज का आत्मिक मन्ना क्या ठहराया है हमारे और आपके लिए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे
कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच में उसके जो उपकार हैं वो बेशुमार हैं, और उसने हमें योग्यता से बढ़कर दिया है। योग्यता से बढ़कर मतलब हम योग्य भी नहीं हैं, और उसने हमें इतना प्यार किया। परमपिता परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है, सुधी लेता है हमारी, जो कि हम इस योग्य भी नहीं हैं कि वो हमारी चिंता करे या हमारी सुधी ले। इतना महान प्यार है परमेश्वर का, जो वो हमसे प्रतिदिन हर एक क्षण करते हैं। तो आइए हमें वचन के माध्यम से आज का जो भी आत्मिक मन्ना है उसे लेंगे। उससे पहले परमेश्वर को वचन के लिए धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आज का जो भी आत्मिक मन्ना है परमेश्वर, वो हर एक की जिंदगी में काम आए। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आज का जो वचन है वो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 10वें बाब में और उसकी 46 आयत से 52 आयत तक के बीच में। ये कहानी है, एक स्टोरी है, और ये स्टोरी है बर्तिमाई की। एक बर्तिमाई, इसके बारे में सब लोग बहुत बार सुन चुके होंगे, बहुत बार पढ़ा भी होगा, लेकिन हम जब भी एक छोटी से छोटी वर्स को लेकर, पता है, हम पूरी लाइफ परमेश्वर अपनी पूरी लाइफ अपनी उस एक वर्स को लेकर के हम अलग अलग प्रकाशन के माध्यम से प्रचार कर सकते हैं। इतना गहरा है परमेश्वर का वचन, और इस स्टोरी के माध्यम से आज कुछ अलग प्रकाशन में भी आप लोगों को मिले या आप लोगों को समझ में आए और उसे अपनी लाइफ से आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। यहाँ पर यीशु मसीह का दृष्टांत है कि यीशु मसीह और उसके चेले यरीहो में आए, और वहां पर क्या हुआ था, एक अंधा व्यक्ति था। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि वो जन्म से अंधा था
या उस कुछ समय से पहले से अंधा था, या कुछ बीमारी हो गई थी, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। तो हम मानते हैं कि वो जन्म से ही अंधा होगा। और उसके बाद क्या होता है कि वो एक किनारे बैठा होता है और एक बहुत बड़ी सी भीड़ यीशु को देखने के लिए आई होगी, यीशु के साथ चल रही होगी, और एक अंधा भिखारी, बेचारा भिखारी जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था, वो इस आस में बैठा होगा, इस आशा में बैठा होगा कि आज परमेश्वर का पुत्र निकलेगा और क्या करेगा, मुझे चंगाई देगा। इसके बाद हम देखते हैं, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। सबसे पहला स्टेप, अगर आप प्रॉब्लम में हैं, परेशानी में हैं, कष्टों में हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है अपनी उस प्रॉब्लम, उस सिचुएशन को जो आप फील कर रहे हैं, जो आप फेस कर रहे हैं, उसको ऊपर नहीं रखना है, बल्कि ये स्टेप लेना है कि आज से, अभी से, इसी क्षण से मैं इस स्थिति में नहीं रहूंगा। जैसे कि बर्तिमाई ने सबसे पहला डिसीजन लिया कि आज के बाद, जब यीशु के बारे में उसने सुना, क्योंकि वो देख नहीं सकता था तो वो नहीं देख पाया, उसने सिर्फ सुना लोगों से कि यीशु नासरी आ रहा है, उसने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि वो अब इस क्षण, इस घड़ी से, जो ये अंधेपन की जो समस्या थी, अंधेपन की जो परेशानी उसकी लाइफ में थी, वो उस क्षण से उसने डिसाइड किया कि वो अब ऐसा नहीं रहेगा। बहुत बार हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं और हम क्या करते हैं, उन्हीं लाइफ, उन्हीं प्रॉब्लम्स में हम फंसे रह जाते हैं। बल्कि हमारा सबसे पहला स्टेप जो प्रॉब्लम में होना चाहिए कि डिसाइड करना, अगर आप किसी बीमारी में हैं तो आप ये डिसाइड करिए कि अब आप इस बीमारी की स्थिति में नहीं रहेंगे। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो आप डिसाइड करिए कि आप इस प्रॉब्लम की स्थिति में नहीं रहेंगे। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इजिली, आप डिसाइड करिए, पहले आपको डिसाइड करना है। जैसे कि बर्तिमाई ने पहले क्या किया था, डिसाइड किया, तभी तो उसने पुकारा, क्योंकि जो हम डिसाइड करते हैं वही काम हम करते हैं, जो हम सोचते हैं वही काम हम क्या करते हैं, करते हैं। तो वो काम सबसे पहले बर्तिमाई ने क्या किया, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। सबसे पहली चीज, सबसे पहला स्टेप क्या होता है प्रॉब्लम्स में, कि हमें डिसाइड करना है कि हम इस स्थिति में नहीं रहेंगे। और दूसरा स्टेप क्या होता है, हमें पुकार करके कहना है। मैंने बहुत बार अपने वचन में ये बताया है कि शैतान हमारे मनों को नहीं पढ़ सकता है, वो शैतान हमारे मनों को नहीं जांच सकता है। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि तू ही है जो मनों को जांचता है, यानी परमेश्वर ही मनों को जांचता है। तो यानी जब शैतान हमारे मनों को नहीं जांच सकता, तो हमारी वीकनेस को कैसे पता करता है, वो हमारी वीकनेस को हमारे वर्ड्स के थ्रू पता करता है। यहाँ पर बहुत लोगों ने बर्तिमाई को डांटा कि चुप रहे। बहुत बार सिचुएशंस ऐसी डाइवर्स हो जाती हैं कि आप प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि आप परमेश्वर के पास जाने के बजाय आप क्या होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। बर्तिमाई की लाइफ में भी यही सिचुएशन आई थी, लोगों ने बहुत डांटा, बोला होगा, बहुत कुछ बोला होगा, पता नहीं उसने बचपन से लेके, अभी यहाँ पर एज तो नहीं लिखी है, बचपन से लेकर वो जितना बड़ा होगा उतने समय में उसने बहुत कुछ झेला होगा अपनी लाइफ में, लेकिन तब भी उसे एक विश्वास था, उसे एक आशा थी। दूसरा स्टेप ये है कि परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर आशा रखना। क्या हम प्रॉब्लम्स में अपना जो विश्वास है वो किस पर रखते हैं? क्या हम प्रॉब्लम्स को देख करके अपनी लाइफ को जीते हैं, या इस बात पर यकीन करते हैं कि कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु हमारे साथ है, तो हम सारी प्रॉब्लम्स पर क्या हो सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि प्रॉब्लम्स को नहीं देखना है, किसको देखना है, परमेश्वर को देखना है, यीशु पर आशा रखनी है, जैसे बर्तिमाई ने रखी थी। तीसरा स्टेप है कि प्रॉब्लम्स चाहे जितनी भी कठिन से कठिन क्यों ना हो जाए, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो जाए, कितनी बड़ी सिचुएशन क्यों ना हो जाए, हमें क्या करना है, हमें उन सिचुएशंस को नहीं देखना है, बल्कि अपने पूरे विश्वास से, अपने पूरे जोश से क्या करना है, यीशु को पुकारना है, प्रार्थना करनी है, वचन में चलना है। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है, बहुत प्यारी सी चीज होती है, कि तब यीशु ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। ये चीज होती है
कि जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं, वैसे तो परमेश्वर निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, 24 घंटे हमारे ऊपर निगाह रखता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यीशु खुद बर्तिमाई को बुलाते हैं, और वो सिचुएशन, वो लोग जो कभी बर्तिमाई को डांट रहे थे कि चुप हो जा, यीशु तेरी प्रार्थना नहीं, यीशु तेरी आवाज़ नहीं सुनेगा, यीशु तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, यीशु तुझे तेरा पुकारना नहीं सुनेगा, और वही लोग उठा करके क्या करते हैं, बर्तिमाई को यीशु के पास लेकर आते हैं। तो जब यीशु से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की संगति करते हैं, परमेश्वर की नज़दीकी में रहते हैं, तो वो सिचुएशन जो हमारे लिए कभी डाइवर्स हुआ करती थी, वो सिचुएशन परमेश्वर चेंज कर देता है। और जब परमेश्वर उस सिचुएशन को चेंज करता है, तब हमारी लाइफ सिर्फ लाइफ नहीं रहती है, बल्कि क्या हो जाती है, टेस्टिमनी में चेंज हो जाती है। जैसे बर्तिमाई, बर्तिमाई एक गवाह बना था पर यीशु मसीह का, कि उसने उसको सही कर दिया था, वैसे ही हमारी और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है कि जब हम उन सिचुएशंस में, उन प्रॉब्लम्स में फंसते हैं, और हमारा ध्यान कहाँ होता है, प्रॉब्लम्स पर नहीं, बल्कि कहाँ पर होता है, यीशु पर होता है, परमेश्वर पर होता है, और हम उसे पूरे विश्वास के साथ, पूरे जोश के साथ पुकारते हैं, जैसे बर्तिमाई ने पुकारा था, और फिर वो सिचुएशन जो कभी हमारे लिए डाइवर्स थी, वो क्या करती है, हमारे लिए, हमारी जर्नी के लिए एक गवाही ठहरती है। और हम क्या होते हैं, हम यीशु मसीह परमेश्वर के गवाह ठहरते हैं उन सिचुएशंस की वजह से। इसके बाद लिखा है 50वीं आयत में, हम देखते हैं, वे अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। कपड़ा फेंकना मतलब, अगर हम अपनी बुराइयों को अपने आप से नहीं निकालेंगे, तब तक हम यीशु के पास नहीं जा सकते। जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप से जो चीज़ें हमसे, हमें दूर करती हैं परमेश्वर से, वो चीज़ें अगर हम अपने आप से नहीं निकाल के फेंकेंगे, तब तक हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं जा सकते, तब तक हम यीशु के नज़दीक नहीं जा सकते। जैसे बर्तिमाई ने उस कपड़े को, जो वो कभी ओढ़ कर बैठा होगा, वो कपड़ा ऐसा होगा कि वो उसको रोकता होगा यीशु को पुकारने से, उसने क्या किया, उसको उसको फेंक दिया। वो फेंकना उसने फेंका तब जब यीशु ने पुकारा। परमेश्वर आपको ताकत देता है उन सिचुएशन से लड़ने के लिए, उन चीज़ों को अपने आप से बाहर निकालने के लिए जो हम इजली नहीं निकाल सकते, उन्हें निकालने की सामर्थ्य परमेश्वर आपको देता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि पहले हमें परमेश्वर को पुकारना है, पहले हमें यीशु को पुकारना है। और उसके बाद हम देखते हैं, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। क्या यीशु नहीं जानता था कि बर्तिमाई क्या चाहता है? क्योंकि ऐसा तो हम पढ़ते हैं कि बाइबल में लिखा है कि तू ही तो है जो मनों को जांचता है, तो वो हरेक के मनों को समझता है, हरेक के मनों को पढ़ता है, हरेक के मनों को जांचता है। तो क्या वो नहीं जानता था कि बर्तिमाई के दिल में क्या चल रहा है, या बर्तिमाई ने मुझे पुकारा है तो क्यों पुकारा है? उसने पूरी भीड़ में बर्तिमाई की आवाज़ सुन ली, तो इतना सामर्थ्य है कि उसे, यीशु को पता था कि बर्तिमाई क्या चाहता है, लेकिन तब भी बर्तिमाई के मुंह से उसने उसे सुनना चाहता था कि बर्तिमाई क्या चाहता है। बर्तिमाई ने क्या बोला, कि मैं चाहता हूँ कि मैं देखने लगूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि यीशु मसीह और परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, या हम परमेश्वर से क्या चाहते हैं, हमें बोल के बताना पड़ता है, क्योंकि शैतान इन वर्ड्स को क्या करता है, डरता है इन वर्ड्स से। अब जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब यीशु मसीह की परीक्षा ली थी इब्लीस ने, तो क्या किया था, वचन के माध्यम से उसने उसका विरोध किया था और उसको हरा दिया था। वैसे ही जब हम वचन में पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, तो हम बहुत बार ऐसा करते हैं अपनी लाइफ में कि हम शैतान को हराते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मुँह से अंगीकार करना है, जैसे कि बर्तिमाई ने बोला कि मैं देखना चाहता हूँ। बहुत बार ऐसे लोग भी होते हैं, बर्तिमाई तो अंधा व्यक्ति था, लेकिन वो आत्मिक रूप से अंधा नहीं था। उसकी आशा और विश्वास किस पर था, परमेश्वर पर था। क्या हम और आप आत्मिक रूप से अंधे हैं, ये हम और आप बेहतर जानते हैं अपने लिए। क्या हम इन सिचुएशंस में पढ़कर, कोई भी प्रॉब्लम में पढ़कर, क्या हम परमेश्वर से लड़ाई करते हैं या प्रार्थना करना छोड़ देते हैं? जैसे बर्तिमाई ने कितने टाइम तक ये अंधापन झेला होगा, कितनी बातें उसको सुननी पड़ी होंगी, लेकिन फिर भी उसका विश्वास, उसकी आशा किस पर थी कि जब यीशु मेरी आवाज़ को सुन लेगा तो क्या होगा, मैं इस
अंधेपन में नहीं रहूंगा। वो विश्वास, वो जोश हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हम सिचुएशंस चाहे कितनी भी डाइवर्स क्यों ना हो, हमें ऊंची आवाज़ से परमेश्वर को पुकारना है, क्योंकि वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है। जब हमारे सांसारिक माता पिता हमारी एक आवाज़ में दौड़ कर आ जाते हैं, तो वो उसने तो हमें अपने हाथों से बनाया है, उसने अपनी सांस हमारे अंदर फूकी है। तो परमेश्वर तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारी एक आवाज़, क्या एक धीमी सी आवाज़ को सुनकर भी क्या हो जाता है, चिंतित हो जाता है। इसके बाद 52 वर्स में हम देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यहाँ पर बहुत प्यारी सी चीज़ जो बर्तिमाई ने करी कि उसने जब चंगाई पाई तो वो उसने ये नहीं करा कि उसने जा करके दूसरे लोगों को बता रहा है कि मैं देखने लगा। या बहुत जब कोई अंधा व्यक्ति है और वो एकदम से देखने लगे, तो हम और आप के, अगर हम और आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते कि हम जाएंगे कश्मीर घूमेंगे, हम जाएंगे यहाँ घूमेंगे, क्योंकि हमने ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं तो हम देखना चाहते हैं। लेकिन उसने यहाँ पर बहुत प्यारी सी चीज़ करी। उसने क्या किया, वो देखने ज़रूर लगा लेकिन क्या किया, उसने यीशु के पीछे हो लिया, यीशु का चेला बन गया वो। क्या हम और आप ऐसा करते हैं? यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी और उसने अपना जीवन क्या किया था, यीशु मसीह को दे दिया, उसके पीछे हो लिया, उसके मार्गों पर चला वो। बर्तिमाई की लाइफ से हम दो तीन चीज़ें सीखते हैं। पहली चीज़ जो हमने देखी कि सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको इस प्रॉब्लम में, इस परेशानी में नहीं रहना है। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि हमें अपनी आशा किस पर रखनी है, यीशु पर रखनी है, परमेश्वर पर रखनी है। तीसरी चीज़ हमने ये देखी कि हमें उन सिचुएशंस पर जो हम फेस करते हैं उस पर निगाहें नहीं रखनी है, बल्कि किस पर रखनी है, यीशु पर रखनी है। क्योंकि जब हम परमेश्वर पर अपनी निगाहें रखते हैं, अपना फोकस रखते हैं, तब उन सारी प्रॉब्लम्स पे जो हम फेस कर रहे होते हैं, हम उनके ऊपर होते हैं। लेकिन जब हमारी नज़र प्रॉब्लम्स पर होती हैं, तब हमारे प्रॉब्लम्स हम पर, हमसे ऊपर होती हैं और हम प्रॉब्लम्स के नीचे क्या होते हैं, दबे हुए होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी परेशानियों में किस पर नज़र रखी थी, यीशु पर रखी थी, परमेश्वर पर रखी थी। इससे पहले जब मैंने प्रचार किया था तो मैंने बताया था कि अनवांटेड या अनएक्सपेक्टेड बैटल जो कि हम लोग अपनी लाइफ में फेस करते हैं, उसका एग्जाम्पल मैंने यहोशापात का दिया था। उसकी भी लाइफ में प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उसने किसको खोजा था, परमेश्वर को खोजा था। उसका भी पहला स्टेप यही था कि उसने आशा रखी थी, उसने सबसे पहले ये डिसाइड किया था कि बैटल चाहे कोई भी हो, मैं सिर्फ किस पर भरोसा रखूँगा, परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा, और वही मुझे क्या करेगा, विजय प्राप्त कराएगा। और आपने देखा था कि कैसे बिना लड़े उन लोगों ने युद्ध जीत लिया था। वही 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 स्टेप हिजकिया राजा ने भी उठाया था जब उसके ऊपर भी आक्रमण हुआ था, और एक स्वर्गदूत जो स्वर्ग से परमेश्वर ने भेजा था, और उसने क्या किया था, उसके विरोधियों की पूरी सेना को मार दिया था। वही स्टेप हिजकिया राजा ने भी उठाया, उसने भी अपनी प्रॉब्लम्स को इतना ऊपर नहीं रखा, उसको विश्वास था कि मेरा परमेश्वर सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर है। तो वही विश्वास हमें और आपको भी होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन सब प्रॉब्लम से बढ़कर परमपिता परमेश्वर है जिसने हमें और आपको बनाया है। दाऊद के सामने भी गोलियत एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसका भी विश्वास किस पर था, उसका विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर था। उसने गोलियत से कहा था कि तू सांग और भाला ले आता है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर का नाम लेकर आता हूँ। जब हम परमेश्वर का नाम लेकर उन बैटल्स को, उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तब वो प्रॉब्लम्स हमारी नहीं होती हैं, बल्कि किसकी हो जाती हैं, परमेश्वर की हो जाती हैं। परमेश्वर उन प्रॉब्लम्स पर हमें क्या करता है, विजय तो प्राप्त कराता है, साथ ही साथ हमें ब्लेसिंग्स भी देता है, हमें हिम्मत भी देता है कि हम उन प्रॉब्लम्स को क्या कर सकें, फेस कर सकें। तो मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँगी, इन इंक्रीजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करना चाहूँगी कि प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी क्यों ना हो, सभी की लाइफ में आती हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप उन प्रॉब्लम्स को कितना बड़ा ले रहे हैं, कितना बड़ा एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या आप अपने परमेश्वर को प्रॉब्लम से बढ़कर जान रहे हैं, या प्रॉब्लम्स को अपने परमेश्वर से बढ़ के जान रहे हैं? ये डिपेंड करता है कि आप उन प्रॉब्लम्स पे विजय प्राप्त करते हैं या आप उन प्रॉब्लम्स पर फंसे रहते हैं। जैसे बर्तिमाई की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी, अंधापन हम नहीं फील कर सकते कैसा होगा, लेकिन उसने कितना कुछ झेला होगा, लेकिन उसकी सिर्फ आशा किस पर थी कि मैं एक बार यीशु को पुकार लूँ या यीशु मुझे बुला ले,
तो मेरी ये जो अंधापन है ये क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, मैं चंगाई प्राप्त कर लूंगा। उसने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि कोई यीशु नासरी है वो चंगाई देता है, कोई यीशु नासरी है वो क्या करता है, मुर्दों को जिलाता है। तो ये सब चीज़ें तो हमने भी सुनी हुई हैं, लेकिन क्या हम विश्वास करते हैं? क्या हम प्रॉब्लम्स पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? ज़रूरी ये है कि प्रॉब्लम्स पर हमारा फोकस कहाँ होता है। क्या हम उन प्रॉब्लम्स को देख करके सिर्फ उनमें फंसे रहते हैं, या उन प्रॉब्लम्स से बढ़कर हम अपने परमेश्वर को देखते हैं? अगर आप प्रार्थना करें और परमेश्वर आपकी सुने तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि विश्वास क्या है? अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है। जो चीज़ें हो देखी भी नहीं है, अगर हम उन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर भी क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। से नूह के टाइम पे जब नूह को पता चला था कि उसको जहाज बनाना है, तो बहुत सारे लोगों ने उसके लिए बोला होगा, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, लेकिन नूह का फोकस क्या था? नूह ने ये देखा था कि मेरे परमेश्वर ने जो मुझसे कहा है मैं उस पर विश्वास करूँगा। पानी गिरे ना गिरे मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है तो ज़रूर होगा ये चीज़। तो वैसे ही परमेश्वर ने हमसे कहा है कि मैं हूँ, सदा अंत तक तेरे साथ हूँ। तो ये विश्वास हमें होना चाहिए कि चाहे प्रॉब्लम्स हो, चाहे परेशानी हो, चाहे बीमारी हो, परमेश्वर ने कहा है कि जगत के अंत तक मैं सदा साथ हूँ, तो मैं हूँ। जैसे यीशु ने कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ तो हूँ। जैसे यीशु ने कहा है, बाइबल में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम क्या होते हैं? हम चंगे होते हैं। तो बीमारियां तो हमसे दूर रहेंगी, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हमें क्या मिली है? चंगाई मिली है। तो इन सब चीज़ों पर हमें यकीन करना चाहिए, जैसे कि बर्तिमाई ने किया। उसने सुना कि यीशु नासरी के बारे में और उसको भी यकीन हो गया था कि मेरा अंधापन कोई दूर नहीं कर सकता, मेरा अंधापन सिर्फ कौन दूर कर सकता है? यीशु दूर कर सकता है। और जब उसे पता चला कि यीशु नासरी आ रहा है तो वो ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा। ये विश्वास, ये आशा हमारे और आपकी ज़िंदगी में भी होनी चाहिए कि जब यीशु आए और वो हमें और आपको भी क्या करें? नाम ले करके पुकारे। कितना अच्छा होगा वो सीन कि जब बर्तिमाई को ले करके लोग आए होंगे और बर्तिमाई ने क्या बोला होगा कि मुझे देखना है। वैसे ही यीशु हमें और आपसे भी पूछे कि क्या चाहते हो, लेकिन उससे पहले हमें उसका उतना विश्वास जितना बर्तिमाई का था उतना हमारे अंदर भी होना चाहिए। तो आइए, इन इंक्रेजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करूंगी। आशा करती हूँ कि ये जो भी वचन आज दिया गया है वो आपके जीवन में ज़रूर काम आएगा। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद आज के इस लाइव सेशन को क्या करेंगे? एंड करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर जो भी वचन आज बोया जाता है प्रत्येक के दिलों में परमेश्वर, वो 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के साथ होइएगा परमेश्वर। सारी प्रॉब्लम्स को, सारी परेशानियों को मैं आपके नाम से दूर करती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक की ज़िंदगी में आप काम करें परमेश्वर। मैं अनुपम अंकल और शिमला मांटी के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोएं परमेश्वर, और परमेश्वर वो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल ठहरे परमेश्वर। हर एक ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद परमेश्वर। आगे आने वाले समय को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा निरंतर हमारे जीवन में पूरी होती रहे। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।